कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ, कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बना, और क्या मैगी पहली बार रबर से बना था। जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही गलती से इन्वेंटिव चीजों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। नंबर 8, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल एक कस्टमर ने फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं, और कहा कि शेफ इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसने ये बात दिल पे ले ली, और उसने फिर एकदम पतले आलू काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया, और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का। ये टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और आज भी यह हमें बहुत पसंद आता है। नंबर 7, पिल्लो। पहले पिल्लो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे, क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी पिल्लो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, वो असल में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए होता था। अगर कोई ऐसे पिल्लो के बगैर सोता तो कीड़े उसके कान में जा सकते थे। लेकिन माना जाता है कि किसी राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिल्लो के ऊपर रख दिए, और राजा जब उस पर सोने गए तो उनको वो बहुत कंफर्टेबल लगा था, और इसके बाद सॉफ्ट पिल्लोस बनना शुरू हुए। नंबर 6, स्टिक आइसक्रीम। ये स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे के भूलने की वजह से इन्वेंट हुई थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक चम्मच से मिक्स किया और उसे पीना ही भूल गया, और वो ऐसे ही रात भर पड़ी रही, और तब बहुत ठंडी थी जिसकी वजह से वो जम गई। और उसने जब सबको ये कमाल का इन्वेंशन बताया तो एक आदमी को आइडिया आया, क्यों ना इसमें फ्लेवर्स ऐड करके इसे मार्केट में बेचा जाए। और फिर क्या था, ये आज बच्चों की फेवरेट चीज है। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें भी जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 5, फ्रिस्बी। आपने फ्रिस्बी गेम तो देखा ही होगा, लेकिन पहले ये खाना डालने के लिए एक प्लेट हुआ करती थी। विलियम फ्रिस्बी नाम का एक शख्स था, वो केक्स बेचता था, और इसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। पर एक बार कुछ बच्चे उस केक को खाने आए, और खाने के बाद वो उस प्लेट से खेलने लगे, और उन्हें इतना मजा आया कि वो रोजाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे, और इन्होंने इस गेम का नाम फ्रिस्बी रख दिया। नंबर 4, माइक्रोवेव। क्या आपको पता है माइक्रोवेव बनाने वाले शख्स की जल के मौत भी हो सकती थी। एक आदमी था और ये कुछ रेडार इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था, और ये रेडार इक्विपमेंट हीट को छोड़ रहा था, पर इसे पता ही नहीं था। लेकिन फिर इसने देखा कि इसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप पूरी मेल्ट हो गई, और फिर इसने रेडार को बंद किया, और उसने अगली बार एक भुट्टे पर ट्राई किया, और वो भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया, और ऐसे ही बना था माइक्रोवेव। नंबर 3, टी बैग। 1930 में थॉमस सुलिवान नाम का एक आदमी था जो कि चाय को बेचता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर सके, और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना चाहता था। इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा, छोटे छोटे पैकेट्स में, और लोगों को लगा कि ये टी को अच्छे से मिक्स करने के लिए है, पर थॉमस ने इसे पैसे बचाने के लिए यूज किया था। लेकिन ये मिक्सिंग का काम अच्छे से कर रहा था, और ये एक नया इन्वेंशन भी था, तो इससे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। नंबर 2, मैगी। मैगी का जो मसाला था वो जूलियस मैगी नाम के एक आदमी ने बनाया था, और मैगी जब पहली बार अमेरिका और चाइना में लॉन्च हुई थी तो चाइना में ये नॉर्मल थी, लेकिन यूएसए के लोगों को लगा कि ये रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रबर जैसा था, और इसको लेके कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन फिर लोगों को असलियत पता चली, सब लोग इसे खाने लगे, और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया। अब मैगी कितनी फेमस है ये तो आपको पता होगा। नंबर 1, बबल रैप। बबल रैप को जब इन्वेंट किया गया था तब उसे वॉल पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था, और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने ये बात नोटिस किया कि बबल रैप पेंट को डैमेज होने से बचा रहा था, और बबल रैप जिस काम के लिए बना था यानी वॉल को डिजाइन करने में, वो अपना ओरिजिनल काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो इसका पर्पस पूरी तरीके से चेंज हो गया, और लोग इसे डिजाइन की जगह पर पैकेजिंग में इस्तेमाल करने लगे, और आज भी पैकेजिंग में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्माकोल बैन होने के बाद अब इसका बहुत ही ज्यादा